Namaste. Welcome back on my channel Logistics Talk. Today we are discussing about shipping lines. How shipping lines control our trade. Obviously, our trade policies, किसी भी country की trade policy decide करती है उस country का trade. But दूसरा श्रेय हमारा जाता है shipping companies को. Shipping companies control करती हैं freight को. किसी भी country का आयात हो या निर्यात, उसके लिए जो freight है, जो किराया है, वो शिपिंग कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए. आई टेक अ एग्जांपल ऑफ वॉच. अगर ये मैन्युफैक्चर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसका किराया यहाँ से ले जाने के बाद यूके के किसी पोर्ट पे जाता है और फाइनल यूज़र के पास मान लो आज $2 का उसका फ्रेट है और एंड यूज़र उसको $4 में ख़रीदता है आफ्टर पेइंग ड्यूटी एवरीथिंग, तो वो $4 वो स्पेंड करेगा 2001 में, पास्ट की अगर बात करें. और अब 2022 में यही कॉस्ट फ्रेट की $10 हो जाती है और वो $10 प्लस $2 जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी $12 और एंड यूजर्स पे जाते जाते आज के टाइम में वो कॉस्ट $16 की हो जाती है. तो ये डिफरेंस है एंड यूजर की पॉकेट मनी पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो फ्रेट पार्ट से ज़्यादा पड़ेगा, बट प्रोडक्ट की कॉस्ट जरा सी इंक्रीज होती है डिपेंड वो रॉ मटेरियल कितना महंगा हो गया. स्टिल दैट शिपिंग कंपनीज नाउ इन डेज उनके जो प्राइजेस हैं, नॉट इवन शिपिंग कंपनीज, इवन द एयरलाइंस आफ्टर पेंडेमिक इनके जो प्राइजेस हैं वो डबल के भी ट्रिपल हो गए हैं, जो कि आपके और मेरे पॉकेट मनी पे असर कर रहे हैं. और वही एक दूसरा गवर्नमेंट के बाद आपका जो ट्रेड है वो डिसाइड कर रहे हैं, ना कि इंडिया का, पूरे ग्लोबली. सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कंटेनर शिप एंड मार्केट शेयर. सो फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी. दैट इज द नंबर वन ऑन वेरी फर्स्ट टाइम इन 2020. बिकॉज इससे पहले मार्क्स हमारी सबसे पहले पे आती थी, जो नाउ इट्स शिफ्टेड ऑन रैंक टू. MSC के टोटल नंबर ऑफ TUs हैं 4.3 million एंड शिप है इनके 663. माय गॉड, ओके. और मार्केट शेयर है 17.1%. मार्केट शेयर डिपेंड कि कितने रोटेशन इनका शिप करता है, कितने कार्गो, कितनी कंट्रीज में उनकी सर्विस है, दैट डिपेंड ऑन द मार्केट शेयर. सो नाउ सेकंड नंबर पे आता है मार्क्स. तो मार्क्स का हमारा है, ये डेनमार्क में इनका हेडक्वार्टर है और इनके टोटल नंबर ऑफ TUs की अगर हम बात करें 4.2 million अप्रॉक्सीमेटली एंड टोटल नंबर ऑफ शिप्स की बात करें तो 729 इनके शिप्स हैं. CMA CGMA की अगर हम बात करें तो ये हमारे तीसरे पायदान पे हैं. इनके टोटल नंबर ऑफ TUs है 3.2 अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस. द प्रीमियम सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग एंड द टोटल नंबर ऑफ TUs इज 3.2 million एंड द शिप दे आर ऑपरेटिंग 578 शिप दे हैव. और मार्केट शेयर की अगर हम बात करें 12.8% मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड. फोर्थ रैंक पे है कॉस्को. कॉस्को के टोटल नंबर ऑफ TUs है 2.9 million अप्रॉक्सीमेटली एंड इनका शिप्स ये कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड वाइड 474 शिप्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्केट शेयर दे आर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड नियर अराउंड 11.5%. नाउ फिफ्थ पायदान पे आता है हैपाग्लॉयड. हैपाग्लॉयड का हमारा इनका हेडक्वार्टर जर्मनी में है बट दे हैव नियर अराउंड टोटल नंबर ऑफ TUs अप्रॉक्सीमेटली 1.7 million अप्रॉक्स एंड शिप्स दे आर ऑपरेटिंग हाउ मच इट इज 247 शिप्स दे हैव एंड द मार्केट शेयर 6.9%. नाउ सिक्स पे हमारा आता है वन लाइन. वन लाइन तीन कंपनियों को मिलके पीछे बन गया था, अभी वो जापान में इनका हेडक्वार्टर है और इनके टोटल नंबर ऑफ TUs है 1.7 million अप्रॉक्सीमेटली एंड दे हैव टोटल नंबर ऑफ शिप्स हाउ मेनी 207 टोटल नंबर ऑफ शिप्स एंड मार्केट शेयर इज 6%. सेवन नंबर पे है एवरग्रीन. एवरग्रीन मरीन कॉरपोरेशन, जिसे EMC के नाम से भी इंडिया में जानते हैं, दैट्स हेडक्वार्टर इन ताइवान
and total number of TEUs 1.5 million with the ship of 200 इनके पास ship हैं. मार्केट शेयर इन लोगों का है 5.9%. It is HMM Corporation Private Limited. इनका साउथ कोरिया में हेडक्वार्टर है और दे हैव टोटल नंबर ऑफ TEUs 8,20,000 एंड नंबर ऑफ ships 76 विद द मार्केट शेयर ऑफ 3.2%. नाइन्थ है हमारी YML Yang Ming Marine Transportation Transport Corporation, sorry, that's headquarter is again on Taiwan. Or number of total number of TEUs 6,66,000 approx. Or in case ships ki agar hum baat kare worldwide mein, 93 ships they have and 2.6% market share. Next is Jimline, Jim Integrated Shipping Service, that's based on headquarter is in Israel. And total number of TEUs 4,63,000 approx, 127 ships they have. मतलब इनके पास 127 पानी के जहाज हैं हिंदी में. सॉरी मैं अंग्रेजी में चला जाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये टारगेट मेरा इंडिया की ऑडियंस को लेके है तो हिंदी में वार्तालाप करना ज़रूरी है. सॉरी फॉर अगेन, क्षमा याचना, सॉरी को हिंदी में कहते हैं. तो 1.8% मार्केट शेयर है जिम का. 11वें पायदान पे हमारी आती है वैन हाईलाइन WHL एंड इसका इनका हमारा जो हेडक्वार्टर है ताइवान में है और टोटल नंबर ऑफ TEUs आ 4,12,000 अप्रॉक्सीमेटली 147 इनके पानी के जहाज हैं और मार्केट शेयर 1.6. नाउ नेक्स्ट इज पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन दैट्स बेस्ड ऑन सिंगापुर. नंबर ऑफ टोटल ऑफ TEUs इज 2,28,000 अप्रॉक्सीमेटली 89 टोटल नंबर ऑफ शिप्स विद द मार्केट शेयर ऑफ 1.1%. सो बहुत सारी शिपिंग लाइन्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड रीच है. उन शिपिंग कंपनियों ने पूरा ट्रेड हैंडल किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि 80% हमारा जो ग्लोबली ट्रेड होता है वो सी से होता है और ये सब कंट्रोल शिपिंग कंपनी जो कि रन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ये द कंपनी का नेम है, ये सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है. गवर्नमेंट अपनी ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करती है बट जहाँ पे जो फ्रेट का पार्ट आता है वही शिपिंग कंपनियाँ डिसाइड करती है. कहाँ पे इनकी इन्वेंट्री सरप्लस हो जाती है तो वहाँ पे इनका जो है रेट डाउन आ जाता है और जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है तो आपका फ्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक. सेकेंडली कुछ NVOCCs भी हैं जो ऑपरेट करती हैं लॉन्गर रूट्स भी बट दे ओन द स्पेस, वो खरीदते हैं स्पेस मेजर शिपिंग कंपनियों के पानी के जहाज पे बट कंटेनर उन NVOs का होता है. तो यहाँ पे NVOCCs की भी बहुत सारी भरमार है बट यहाँ पे टॉप 5 कैरियर ही हैं जो रूल कर रहे हैं ग्लोबली और वही डिसाइड करते हैं प्राइस. फ्रेट हो या एयरलाइंस भी हो तो उनके भी स्काई रॉकेट प्राइसेस आ जा रहे हैं. इसलिए अभी जो हमारे ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो सी के जरिए हो रहा है. शिपिंग लाइन की इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए देना समझा आपको कि आपको पता हो कि ग्लोबली कितनी कंपनियां काम कर रही हैं. अभी तो मैंने लिमिटेड दी हैं टाइम के चलते बट मोर देन 100 शिपिंग कंपनी आर देयर इन द वर्ल्ड वाइड जो कि टॉप 5 ही हैं जो अभी रूल कर रही हैं. अदरवाइज सारी कंपनियां सारी सर्विस नहीं दे पाती. इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी फ्रेट फॉरवर्डर की और कस्टम हाउस क्लियरेंस एजेंट की जो कि कस्टम क्लियरेंस करा के आपका माल फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाए. और ये शिपिंग कंपनियां जो हैं हमारी हेल्प करती हैं एक कंट्री से माल को दूसरी कंट्री में ले जाने में. तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताई क्योंकि रेयरली हमारे छोटे जो ट्रेडर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं या किसान भाई हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट कराने में कितनी कितनी कंपनियां इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं. ऑब्वियसली इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट के लिए बट किसान को नहीं पता ये सारी चीज़ें. उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए लॉजिस्टिक स्टॉक. सो
प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए, मैं आपके लिए लाऊंगा बेसिक नॉलेज में बड़ी बड़ी खबरें और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है शिपिंग कंपनियों के, तो वो लिंक पे जाओ, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। थैंक यू सो मच, बी पार्ट ऑफ माई चैनल ऑन लॉजिस्टिक्स टॉक। नमस्ते।